मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं राम केवल सर, कक्षा 12वीं का NCERT पैटर्न पर आधारित इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग इसके पहले 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज चौथा लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं, चौथी बार पढ़ाने जा रहे हैं। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से स्टार्ट कीजिए, अंत तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं, पैराग्राफ 6 तक हो गया था, पैराग्राफ 7वां स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर कहाँ गया था, स्कूल गया था, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पर जो अध्यापक थे उससे पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले थे, लेकिन जब वहाँ स्कूल में वो पहुँचा तो स्कूल का सारा नज़रिया ही बदला हुआ था। और गांव के बूढ़ बुजुर्ग लोग इकट्ठे हुए थे स्कूल में। अब क्यों इकट्ठे हुए थे, क्योंकि फ्रेंच भाषा जो था उसका अंतिम दिन था। और आगे देखते हैं, व्हील 7वां देखिए, राइटर कह रहा है, व्हील आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, और जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था, मतलब ऊपर जो बताई गई हैं कि स्कूल में लोग क्यों थे और उनका आज ये लास्ट चैप्टर था इसके लिए। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो राइटर कह रहा है मैंने सुना कि मेरे नाम को पुकारा जा रहा है, ठीक। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, और ये रिसाइट मीन्स होता है बोलना या कुछ कहना, तो यहाँ मेरी बारी थी बोलने के लिए, मेरा नंबर था। उसके बाद में वाट वुड आई नाट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट डेयरफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। फिर कह रहा है यहाँ जो हो जाएगी कि वाट वुड, वाट मीन्स यहाँ जो हो जाएगा, वुड क्रिया है, आई नाट हैव गिवन टू बी एबल, मैं मतलब इसमें एबल नहीं था कुछ पॉइंट देने में, कुछ बताने में समर्थ नहीं था। टू से मीन्स कहने के लिए, दैट मीन्स कि डियर्डफुल मीन्स होता है भयानक या भयावह, डियर्डफुल। रूल मीन्स होता है नियम, फॉर द पार्टिसिपल मीन्स होता है पार्टिसिपल का, ऑल थ्रू मीन्स होता है संपूर्ण या पूरा, वेरी लाउड मीन्स बहुत तेजी से, एंड मीन्स और, क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट शब्दों में, सही शब्दों में, एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना गलती किए हुए। तो ये कह रहा है कि बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा पूरा जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। ये राइटर कह रहा है वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल, मतलब सब कुछ देने के लिए, सब कुछ गिवन टू है ना, यहाँ देखिए ध्यान से, वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट डियरफुल रूल, डियरफुल मीन्स होता है भयानक, रूल मीन्स नियम, फॉर द पार्टिसिपल मीन्स होता है पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू मीन्स संपूर्ण या पूरा, वेरी लाउड मीन्स होता है बहुत तेजी तेजी से, एंड मीन्स और, क्लियर मीन्स स्पष्ट, एंड मीन्स और, विदाउट मीन्स बिना गलती के, वन मिस्टेक मीन्स होता है एक गलती के। तो मैं सब कुछ देने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार था, क्या करने के लिए, जो पार्टिसिपल के भयानक या भयावह नियम थे उसको बिना एक गलती के तेजी तेजी से नियमानुसार और स्पष्ट रूप से बताने के लिए या कहने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार था, सब कुछ उसने किया था, मतलब ये है। फिर आगे है, बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट, मिक्स्ड अप, यहाँ एक वर्ड है मिक्स्ड अप, जो फेज है, मिक्स्ड अप मीन्स होता है मिल जाना, भूल जाना, मतलब अपने विचारों में मिक्स्ड अप हो जाना, अपने विचारों में घुल मिल जाना। और ऑन द फर्स्ट मीन्स सबसे पहले, वर्ड्स मीन्स होता है शब्द, एंड मीन्स और, स्टूड मीन्स खड़ा हुआ, दियर मीन्स वहाँ, होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क मीन्स होता है अपने डेस्क को, अपने बेंच को, और माई हार्ट मीन्स मेरा हृदय, बीटिंग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा परेशान था या बहुत तेज़ी से बीट कर रहा था, गति कर रहा था, मतलब धड़क रहा था। एंड नॉट डेरिंग टू लुक अप, डेरिंग मीन्स होता है साहस, और टू लुक अप मीन्स होता है ऊपर देखने का। तो राइटर कह रहा है कि क्या हुआ, जब आवाज़ आई
तो बट आई गाट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट, सबसे फर्स्ट वर्ड्स, जैसे ही उसे बुलाया गया तो वो सबसे पहले शब्द, मतलब पार्टिसिपल में वो अपने मन में सोच रहा है कि पहले शब्द पर ही मैं उलझ गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन माई टू डेस्क, ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़ करके खड़ा हो गया, माई हार्ट बीटिंग, और मेरा हृदय धड़क रहा था, दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझे ऊपर देखने की मेरे अंदर साहस नहीं थी। फिर आगे आठवां पैराग्राफ देखते हैं। आई हेयर्ड एम हैमल, ये जो टीचर है उनका नाम एम हैमल है, शे टू मी, और राइटर कह रहा है कि मैंने सुना कि जो एम हैमल है उन्होंने मुझसे, वो मुझे कुछ कहते हैं। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंज, यू मस्ट फील बैड इनफ, उसने कहा कि लिटिल फ्रेंज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा या बहुत बुरा लगना चाहिए ये अगर डांटा जाए तो। सी हाउ इट इज़, इसे जानो कि ये कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, वाह वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्रत्येक दिन हम लोग ये कहते थे अपने आप से, अपने लोगों से कि हम लोगों के पास समय है, बहुत ज़्यादा पर्याप्त समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, हम इसे कल सीखेंगे। राइटर कह रहा है कि जब फ्रेंच भाषा हम लोग सीखते थे, क्लास में पढ़ाते थे, तो बच्चों से हम लोग कहते थे कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय है, कल पढ़ लेंगे इसको, ठीक। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट। यहाँ राइटर कह रहा है कि जो वो कह रहे हैं मिस्टर बा कि मिस्टर नहीं एम हैमल कह रहे हैं कि आई शैल लर्न इट टुमारो, हम लोग इसे कल पढ़ लेंगे। एंड नाउ यू सी, और अब तुम्हें पता लग गया है कि वहर कि कहाँ या जहाँ, वी हैव कम आउट, हम कहाँ आ गए हैं बाहर, किस टॉपिक मतलब कहाँ पहुँच चुके हैं, क्योंकि यह फ्रेंच बंद होनी थी। आ अरे दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अलसास, ये अलसास है, एक लड़की है, कहा जाता है वो एम हैमल कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अलसास को है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, और वो क्या करती थी, उसे मतलब टाल देती थी कि चलो इसे कल हम पढ़ लेंगे, कोई अलसास लड़की है, वो कहती है कि इसको हम कल पढ़ लेंगे, लर्निंग कर लेंगे, और उसे हटा देती थी उस पार्ट को। नाउ दोज फिलोस आउट देयर ही विल हैव द राइट टू से टू यू, नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब आपके पास जो भी फ्रेंड्स हैं, फिलोज हैं, मित्र हैं, उन्हें सही कहने का समय है। हाउ इज इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, आप एक फ्रेंच मैन बनने का बहाना कैसे करोगे, प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना, एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और हाँ आप फ्रेंच कहने का बहाना कैसे बनाओगे कि आप फ्रेंच मैन हो, फ्रेंच के निवासी हो, एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक, जब ना तुमको बोलना है फ्रेंच, ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और ना ही तुम्हें अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को लिखना है, तो फिर तुम कैसे अपने आप को फ्रेंच कह सकते हो। ये एम हैमल कह रहा है सब लोगों से, उसे मतलब उसमें मेन जो राइटर है वो कह रहा है। फिर बट यू आर नॉट द वर्स्ट, यू आर लिटिल फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच का मतलब वही फ्रेंच के निवासी, इसीलिए फ्रेंच कहा गया है, तुम छोटे हो, फ्रेंच निवासी हो। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, आगे देखते हैं इसका, देख लेते हैं। तो वी सेल, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, रिप्रोच मीन्स होता है किसी भी कारण के लिए, किसी बात के लिए अपने आप को दोष देना। तो राइटर कह रहा है कि वी सेल ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, इसमें इस मैटर पे हम लोगों का अपने अपने आप के ऊपर दोष लगाना सबसे बड़ा कारण है। फिर जो एम हैमल हैं, टीचर हैं, वो क्या कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जियस इनफ टू हैव यू लर्न, किसको कह रहे हैं, जो राइटर है उसको कह रहे हैं, एम हैमल जो टीचर है वो कह रहा है, योर पेरेंट्स वर नॉट एनर्जियस, कि आप लोग मतलब बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो कह रहा है आप लोगों के माता पिता पढ़ाने के इच्छुक नहीं थे। इच्छुक क्यों नहीं थे,
मतलब पर्याप्त इच्छुक नहीं थे टू हैव यू लर्न, कि आप लोग सीखो। दे प्रीफेयर टू पुट यू टू वर्क ऑन फार्म आर एट द मिल्स सो एज टू हैव लिटिल मोर मनी। दे मीन्स वाय, दे किसके लिए लगाया गया, मतलब जो भी बच्चे थे पढ़ने वाले या जितने भी लोग थे उनके लिए, उनके माता पिता के लिए। दे प्रीफेयर्ड, प्रीफेयर्ड मीन्स होता है पसंद करना। टू पुट यू, टू पुट यू टू वर्क मीन्स होता है काम कराना, यानी फार्म मीन्स होता है एक फार्म पर या एक मिल में, किसके लिए काम कराने के लिए पसंद करते थे, किसके लिए, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि उनके पास एक थोड़ा मतलब थोड़ा सा ज़्यादा धन हो। भाई वो लड़का काम करेगा फार्म पे या मिल्स पे तो पैसा मिलेगा, इसीलिए। एंड आई, और कह रहा है इसके लिए मैं भी दोषी हूँ, जो फ्रेंच लैंग्वेज को रोका जा रहा है पढ़ाने के लिए कॉलेज में, उसके लिए राइटर कह रहा है कि इसके लिए मैं भी दोषी हूँ। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम, आई हैव बीन टू ब्लेम, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। वो कह रहा हैव आई नॉट, क्या मैंने प्रायः, ऑफ्टन मीन्स होता है प्रायः, आप लोगों को आपका पाठ पढ़ने के स्थान पर या पढ़ने के बजाय, इंस्टीड ऑफ है ना, इंस्टीड ऑफ मीन्स होता है पढ़ने के बजाय, पढ़ने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा है। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, फिशिंग मीन्स होता है मछली पकड़ना या मछली मारना। तो राइटर कह रहा है, और जब आई वांटेड टू गो फिशिंग, मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, क्या मैंने आपको छुट्टी तब नहीं दी। मतलब राइटर जो है, मतलब वो जो एम हैमल टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, वो भी कह रहे हैं, अपना दोष धर रहे हैं, रख रहे हैं कि इसमें मेरी गलती है, मैंने गलती की है। आइए नौवां पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, और उसके बाद में जो एम हैमल थे, एक चीज़ एक के बाद दूसरी बातें बताई शिक्षा के बारे में। यम हैमल बेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, और यम हैमल जो थे वो फ्रेंच, फ्रेंच मीन्स होता है फ्रांसीसी, और लैंग्वेज मीन्स होता है क्या होता है, भाषा, फ्रांसीसी भाषा के बारे में बेंट ऑन, मतलब बातों को जारी रखा, फ्रांसीसी मतलब भाषा के बारे में बेंट ऑन, बेंट मीन्स जाना होता है लेकिन जाना नहीं होगा, बेंट ऑन हो गया तो जारी रखना, तो फ्रांसीसी भाषा को जारी रखा, मतलब फ्रांसीसी भाषा के बारे में उन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दिए या बातचीत करने लगे। सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये कहते हुए दैट मीन्स की इट वाज द इट मीन मीन्स था द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, लैंग्वेज मीन्स भाषा, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में, कि संसार में जो फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रांसीसी भाषा है, वो सबसे सुंदर भाषा है। मैं अपनी अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है, चाहे वो फ्रांसीसी हो, चाहे इंडियन हो, भारतीय हो, चाहे जिस देश की हो, अपनी अपनी भाषा सबको प्यारी लगती है। द क्लियरेस्ट मतलब सबसे सुंदर भाषा थी, सबसे क्लियर थी, स्पष्ट थी। द मोस्ट लॉजिकल सबसे अधिक तार्किक भाषा थी। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, कि हमें इसे अपने आप के अंदर हम लोगों के बीच में सुरक्षित रखना है या रखना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस भाषा को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हम हैमल कह रहे हैं जो टीचर हैं, बिकॉज व्हेन ये पीपल आर इन स्लेव्ड, इन स्लेव नहीं सोता है गुलाम, जब लोग गुलाम हो जाते हैं, ये जब लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, तो और जितना हो सके गुलाम होने के बाद भी, एज लॉन्ग एज का मतलब हो जाएगा यहाँ जब तक या जितना अधिक हो सके, मैं दे हैड होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वह अपने लैंग्वेज को मजबूती से फास्ट मतलब होल्ड फास्ट मतलब बहुत मजबूती से पकड़े रहें, अर्थात अपने लैंग्वेज को ना खोएं, चाहे वो इंस्लेव्ड हो जाएं, दास बन जाएं, गुलाम बन जाएं। इट इज़ एज इफ़ दे हैड द के टू दियर प्रिजन, क्योंकि जब वो गुलाम बन गए हैं तो किसी जेल या कारागार में रहेंगे, तो बताया गया है कि जो इनकी अपनी फ्रांसीसी भाषा है वो एक चाबी की मतलब चाबी की तरह है, जिस कारागार में वो लोग बंद हैं, जेल में बंद हैं, उसकी मान लो कि इसकी चाबी है, जो लैंग्वेज है उनकी अपनी मातृ लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, वो उनकी चाबी है। देन ही ओपेंड ये ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, और उसके बाद में क्या हुआ,
मतलब राइटर कह रहा है कि तब एम हैमल ने क्या किया, ग्रामर की एक बुक खोली और हमारी ग्रामर की किताब थी और हम लोगों को पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। और राइटर कह रहा है कि मैं अमेज था, अमेज का मतलब हक्का बक्का रह जाना, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना, टू सी ये जानकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। राइटर कह रहा है कितना अच्छा से मेरे समझ में आ गया था, ये समझ करके मैं आश्चर्यचकित था। आल ही सेट सीम्स सो इजी, और जो जो भी बातें टीचर ने या महमल ने बताई वो इतनी आसान थी, सो इजी इतनी आसान थी। आई थिंक मैंने सोचा, टू मिस भी दैट आई हैड नेवर लिसेंड सो केयरफुली। और ये कह भी रहा है जो राइटर है कि मैंने इसके पहले इतना सावधानीपूर्वक से कभी भी चैप्टर को या टीचर जो पढ़ाते थे उसको नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पैटर्न्स। पैटर्न्स मीन्स होता है धैर्य, और सो मच मीन्स इतना अधिक। और राइटर कह रहा है कि जो टीचर थे वो उन्होंने चीज़ों को इसके पहले इतने अच्छे से कभी भी नहीं समझाया था। इट सीम्स आलमोस्ट एज इफ़ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। और ये मुझे प्रतीत हुआ कि जो बेचारा आदमी था, एज इफ मिस मानो जो आदमी था, मैन था, जो पुअर मैन किसको कहा गया, एम हैमल जो टीचर था बेचारा, वो जाने से पहले उसके अंदर जितनी भी नॉलेज थी, जानकारी थी, जितना जानता था, सब कुछ हमको देकर जाना चाहता था। एंड टू पिट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और वह एक ही प्रहार से हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में इस चीज़ को डाल देना चाहता था एक ही स्ट्रोक से।